बेहद सक्रिय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर हैंडल से 4 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार एक आदेश जारी कर कहा कि नालों नालियों पर होने वाला अतिक्रमण ही जल जमाव का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए नालियों नालों पर जहां कहीं भी अतिक्रमण है वहां जनता के साथ संवाद बनाकर उसका समाधान जरूर निकाला जाए। साथ ही कार्रवाई के दौरान विशेष ध्यान रखा जाए कि संबंधित परिवार को मकान के भीतर आने जाने में अनावश्यक असुविधा ना हो पाए। सीएम योगी द्वारा जारी इस आदेश की जांच पड़ताल करने जब ग्राउंड जीरो पर न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची तो बुलंदशहर के नगर गुलावटी में नाले नालियों पर अतिक्रमण हो या उनके पटाव की तस्वीरें साफ तौर पर नगरपालिका की लापरवाही भरी कार्यशैली को आईना दिखा रही थी। यूं तो योगी सरकार द्वारा नगर हित में सौंदर्यीकरण विकास कार्य सहित जन सुविधाओं को लेकर दिया गया एक भारी भरकम यानी कि 50,08,15,911 रुपए का बजट पालिका की प्रथम बोर्ड बैठक में पेश तो किया गया, लेकिन इसका पालिका द्वारा कितना दुरुपयोग या सदुपयोग आने वाले 5 सालों में होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो 23 जून 2023 में आयोजित हुई पालिका बोर्ड बैठक में उपस्थित ईओ निहारिका चौहान सहित अन्य कर्मियों और गणमान्यों की उपस्थिति के बीच भाजपा चेयरमैन शैलेश तिवतिया द्वारा नगर में सीवर लाइन बिछाने को लेकर आश्वासन दिया था। नगर के स्थानीय निवासियों ने बताया कि 1 साल से ज्यादा का समय गुजर गया है लेकिन अभी तक नगर में कोई भी सीवर लाइन बिछाने का काम पालिका के द्वारा नहीं किया गया। साथ ही बताया गया कि आबादी में संचालित पशुपालन दूध डेयरी से गोबर का पानी नालियों में जाता है जो कि दुर्गंध बीमारी को ईजाद करता है और नगर की पुरानी पाइपलाइन से लीकेज होने के चलते घरों में गंदा पानी जाता है। नगर में बिछी नई पाइपलाइन से अधिकांश घरों में पानी नहीं पहुंच रहा और घरों में कब पानी पहुंचे उसका भी कोई स्थायी टाइम टेबल है नहीं। नगर की जनता ने प्रदेश के लोकप्रिय चैनल न्यूज वॉल इंडिया द्वारा नगर में पड़े जर्जर वाटर कूलर समस्याओं को खबर के माध्यम से प्रमुखता से उठाए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए जनहित में खबरों का त्वरित संज्ञान लेकर समस्या निस्तारण करने की पालिका से अपील करते हुए भरपूर आशा भी जताई। अब जब नाले नालियों पर अतिक्रमण को लेकर सूबे के अलर्ट मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा इस समस्या के निस्तारण के लिए आदेश जारी हुए तो देखना यह है कि पालिका ईओ नगर में पूरी तरह से चौक हुए नाले नालियों पर अतिक्रमण और उनके पटाव को किस तरह खुलवाने सहित पाइपलाइन से घरों में पहुंच रहे गंदे पानी और नई पाइपलाइन में स्वच्छ जल की निकासी जैसे गंभीर समस्याओं से आम जनता को आखिर कब तक निजात दिला पाती है। साथ ही पालिका के भाजपा शासित चेयरमैन जनहित में मिली भारी भरकम बजट से नगर गुलावटी में सिवर लाइन बिछाने का सराहनीय कार्य कब आखिर शुरू करवाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर ग्राउंड जीरो पर लगातार मेरे सहयोगी अरुण यादव बने हुए हैं। जब वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे उन्होंने क्या कुछ देखा और आसपास के लोगों से भी बातचीत की, पूरी स्टोरी को इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। बुलंदशहर में 28 जून 2024 को आए तेज मानसून के चलते नगर गुलावटी में मूसलाधार बारिश देखने को नजर आई जिसके चलते नगर के मुख्य नाले ने मानो सफाई के नाम पर हुई लापरवाही की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी थी। आपको बता दें इस खबर को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया द्वारा प्रमुखता से चलाया भी गया था, साथ ही ट्विटर पर ट्वीट भी किया था, जिसके बाद 4 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश में अलर्ट व सक्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आदेश जारी किया। उन्होंने लिखा, नाले नालियों पर अतिक्रमण के चलते ही जल भराव जैसी समस्या होती है, जल्द ही इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। नाले और नालियों पर हो रहे अतिक्रमण और पटाव की समस्या का निस्तारण जल्द ही किया जाना चाहिए। साथ ही कार्रवाई के दौरान ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि नालियों पर हो रहे पटाव से निजात दिलाने में संबंधित परिवार के सदस्यों को अपने घर में प्रवेश करने में कोई परेशानी का सबब उठाना ना पड़े। इस बात को लेकर जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने स्थानीय निवासियों से जाना कि नगर में नाले और नाली का पटाव होता है या नहीं, तो स्थानीय निवासी ने बताया कि गुलावटी में नाले और नालियों का पटाव पूरी तरह से देखने को नजर आता है। साथ ही नगर में संचालित पशुपालन डेयरी से निकलने वाला गोबर जो नालियों में तैरता हुआ साफ तौर पर नजर आया वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। बता दें नगर पालिका द्वारा
बोर्ड बैठक में आबादी में संचालित पशुपालन डेयरी के ऊपर कार्रवाई करने जैसी बात कही गई थी, लेकिन जब तस्वीरें सामने आईं तो डेयरी से निकलता हुआ पानी नालियों में साफ तौर पर बहता हुआ नजर आया। नगर में नाले और नालियों के पटाव भी साफ तौर पर देखने को नजर आए। बात अगर नगर पालिका की प्रथम बोर्ड बैठक की जाए तो उसमें करीब सरकार द्वारा अच्छा खासा 50 करोड़ से अधिक का बजट भी नगर में सौंदर्यकरण हो या नगर का विकास या जनहित में दी जाने वाली सुविधा उसको लेकर सरकार द्वारा अच्छा खासा बजट नगर पालिका को दिया गया है। लेकिन नगर पालिका द्वारा 50 करोड़ के इस बजट से किस तरह के कार्य इन 5 सालों में देखने को नजर आएंगे, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल में नगर पालिका ने 50 करोड़ के इस बजट का इस तरह से इस्तेमाल किया है, ये तो नगर में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लगा पलीता साफ तौर पर जाहिर कर ही रहा है। अब देखना यही है कि योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद नगर पालिका गुलावटी की ईओ किस तरह से अलर्ट और सक्रिय होकर नाले नाली के पटाव और अतिक्रमण की समस्या को पूरी तरह से समाप्त कैसे करती हैं। साथ ही आपको बता दें, नगर गुलावटी में जब आमजन से पूछा गया नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में नगर में सीवर लाइन बिछाने को लेकर भी आश्वासन दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई कार्य सीवर लाइन बिछाने को लेकर नगर में देखने को नज़र नहीं आया है। बात अगर बोर्ड मीटिंग की जाए तो ये करीब 23 जून 2023 को पालिका के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई थी। अब तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, लेकिन सीवर लाइन के कार्य को पालिका अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी है। नगर में स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुरानी पाइपलाइन के द्वारा घरों में जो पानी जाता है वो भी गंदा जाता है, साथ ही नई पाइपलाइन जो बिछी हैं उनमें अभी पानी की निकासी पूरी तरह से देखी नहीं गई है। तो नगर गुलावटी में इतनी बड़ी समस्या और सरकारी बजट को अगर लेकर बात की जाए तो नगर पालिका किस तरह से इन समस्याओं से निपटारा करेगी और सरकारी बजट का दुरुपयोग ना कर किस तरह से सदुपयोग करेगी, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। मानसून आ चुके हैं, जैसे कि मानसून आ चुके हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो जल भराव की होती है, और जल भराव की समस्या ज़्यादातर इस तरीके से होती है कि नालों और नालियों में पानी का निकासी नहीं होना, उसका एक मेन कारण है जो कि नालों और नालियों का पटाव। जब पटाव हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि फटा होने के बाद में जो उसकी गंदगी हो जाती है वो उसके अंदर फंस जाती है, फंसने के कारण जल को जगह नहीं मिलती है, वो निकल नहीं पाता है, तो वो ओवरफ्लो होकर के बाहर आ जाता है, जिससे नगर में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। हमने देखा कि योगी जी का ट्विटर था, उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी नाले और नालियाँ हैं उस पर जो अतिक्रमण हुआ हुआ है, जो पटाव हुआ हुआ है, उसे हटा दिया जाए या उसको दूर किया जाए, जिससे कि जल भराव की समस्या पब्लिक को ना हो। नगर गुलावटी में बात की जाए, पालिका में आदेश जारी हुआ कि जो पशुपालन डेयरी चल रही हैं उनके जो गोबर का पानी है वो नालियों में बहता नजर आ रहा है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तक मैं समझता हूँ कि नगर पालिका के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और मैं चाहता हूँ कि जो अधिशासी अधिकारी महोदय हैं इस पर भी कार्यवाही करें। तरीके से गोबर की समस्या है और ये डेयरियों से जो गोबर निकलता है वो अत्यधिक नालों में जाता है, तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं ऐसा होता है गंदगी जमा हो जाती है, जिसके कारण जल भराव की समस्या हो जाती है। बोर्ड बैठक पालिका के अंदर 23 जून 2023, आज जब करीब 1 साल बीत चुका है, आश्वासन दिया गया उसके अंदर सीवर लाइन बिछाने का गुलाब, क्या नगर गुलावटी में सीवर लाइन का कोई काम कार्य शुरू हुआ अभी तक, जबकि एक साल का समय गुजर चुका है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सीवर लाइन का, ये मैंने भी सुना था, और जो प्रथम बोर्ड बैठक हुई थी पालिका की वो तकरीबन 23 जून 2023 को हुई थी, लगभग 1 वर्ष हो चुका है, तो उसमें सीवर लाइन की भी बात हुई थी, जिसमें जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने गुलावटी के लिए एक बड़ा बजट पास किया, जिसमें 50 करोड़ से अधिक का बजट पास किया था, जो कि बहुत भारी भरकम राशि होती है। उससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा सीवर लाइन भी और नगर का जो सौंदर्यकरण है वो भी अच्छी तरीके से हो सकता था, बट अभी तक हमने ये देखा है कि इसमें कोई भी कार्य नहीं चल रहा,
यदि सीवर लाइन का कार्य हो सकता था, हो जाता, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या से समस्या का समाधान हो सकता था। नगर गुलावटी में पुरानी पाइपलाइन बिछी हुई है, नई पाइपलाइन भी बिछाई गई है। नगर में पानी के पहुंचने की अगर बात की जाए तो पुरानी पाइपलाइन से किस तरह का पानी जाता है, नई पाइपलाइन से सुचारू रूप से क्या नगर में घर में पानी पहुंच पाता है? देखिए, जो पुरानी पाइपलाइन है उसकी बात करें तो पुरानी तो पुरानी होती है, और अधिकांश जो पुरानी जो पाइपलाइन है वो अंदर से डैमेज भी हो जाती है। डैमेज होने के कारण जो उसमें गंदगी होती है वो पानी के रास्ते घरों में जाती है, जिसमें कि अधिकांश लोग, हमें ये देख रहा हूँ कि गुलावटी के अंदर बीमार बहुत हो रहे हैं। जो हेपेटाइटिस सी का भी मैं सबसे बड़ा स्कोप देख रहा हूँ गुलावटी में, जिसका कि एक मुख्य कारण पानी रहा है। तो उसमें जो पुरानी पाइपलाइन है उसका कारण भी ये सब चीज़ हो सकती है। और दूसरी बात, जो अब नई लाइन जो बिछाई गई है पालिका के द्वारा, उसमें पानी तो पहुंच रहा है, अधिकांश जगहों पर पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है, मैं सुनने में ये आया है। और बट जहाँ पे भी पानी की व्यवस्था की गई है, जहाँ से घर घर तक पानी जा रहा है, पर उसमें एक नगर पालिका या पानी जल बोर्ड की एक ये कह सकते हैं कि लापरवाही है कि पानी को देखते हुए पानी का वेस्टेज करना, यानी कि जो पाइपों में कोई ना टोटी का लगना, ना किसी तरीके की उसमें घुंडी वगैरह लगी जिससे कि पानी का वेस्टेज ना जाए। अब जैसे ही पानी का ओपन होता है, नई पाइपलाइन में भी पानी हम देखते हैं कि ऐसी वेस्टेज जाता रहता है, तो इस पे भी नगर पालिका को संज्ञान में लेना चाहिए। पालिका यू से किस तरह की आप मांग करें? देखो, मैं बस पालिका ईओ मैम से मैं बस यही मांग करूंगा कि जैसे कि अभी जल भराव की समस्या है, मानसून आ ही चुके हैं, और जो नाले हैं, नालियां हैं, उनके ऊपर जो अतिक्रमण हुआ हुआ है, योगी जी के जो प्रतिक्रिया दी है योगी जी ने भी, उस पर भी संज्ञान में लिया जाए, और जो उनका जो पटाव है उसे हटा करके उसे निस्तारण किया जाए, जिससे कि पानी को रास्ता मिले और जब जल भराव की समस्या जो होगी वो खत्म हो, और नगर में सौंदर्यकरण का भी कार्य किया। और अंत में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के द्वारा उठाए गए मुद्दों को पालिका के द्वारा संज्ञान में लिया जाए कि उनके द्वारा उठाए गए जितने भी मुद्दे हैं उनको गंभीरता से लिया जाए। और ईओ मैम से भी एक रिक्वेस्ट है, एक हमारी प्रार्थना है कि जितने भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के द्वारा जो जनहित में मुद्दे उठाए जाते हैं उन पे संज्ञान में लेकर के उनके कार्य किया जाए। जैसा बिजली घर पर पानी का जल भराव है, तेज बारिश आज देखने को नगर गुलावटी में मिली, कैसे ये जल भराव हुआ? ये जल भराव इतना बारिश का नहीं है, हमारे यहाँ बिजली घर के गेट के आगे मेन नाला है जो गुलावटी का सारा गंदा जल भर करके बाहर सीधे निकल जाता है, तो वो नाला आगे से जाम हो गया, गंदा नाले जिसमें पूरे गुलावटी का पानी भर के जाता है। वो जाम होने के कारण अभी 4-6 दिन पहले भी जो हल्की बारिश हुई थी उसमें भी लगभग आधा घंटा बारिश हुई थी, उसमें भी बस काफ़ी हमारे SDO ऑफिस के बाहर पानी भर गया था, गंदा पानी कीचड़ के साथ। और आज चूँकि सुबह से थोड़ा अच्छी बारिश हुई तो जो बारिश का जल भरा हुआ और गुलावटी का जो पानी नाले में भरकर आया वो नाला बिल्कुल आगे से जाम पड़ा है। नाला जाम होने के कारण SDO ऑफिस के पास ऊपर से खुला हुआ है, वहाँ से नाले के साथ साथ सारी गंदगी भरकर पूरा कूड़ा करकट यहाँ से पूरा रास्ते में भरते हुए सारा जल भरा हो गया है। नगर पालिका के अधिकारियों को इस संबंध में सूचना उसी दिन दे दी गई 5-6 दिन पहले। किसान यूनियन के भी हमारे एक दो भाई यहाँ पर आए थे जिनको अंदर आने में समस्या हुई गंदगी देकर, उन्होंने भी नगर पालिका में शिकायत की। उस दिन जो है बुलडोजर या कूड़ा निकालने की मशीन है वो आई थी, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका। कार्य पूरा ना होने के कारण आज पुनः वही परेशानी का सामना उठाना पड़ा है, और ज़बरदस्त तरीके से गंदा जल भराव यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि इससे जल भराव होने से जो है किसी भी प्रकार की बीमारी या महामारी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये जो सड़ा जल है, सड़ा हुआ पानी है, और इसके अंदर कीटाणु भी हैं और अनेकों प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु भी होते हैं जो ये धूप हो रही है उसमें मर भी जाएंगे और यहाँ पर जो है बीमारी पैदा कर सकते हैं। तमाम कूड़ा आप देख रहे होंगे यहाँ बाहर गेट पर भी जमा है, और लगातार गंदगी यहाँ बिजली घर के ऊपर आकर भी भर गई। आप देख रहे हैं पीछे भी ये जल भराव जो है, नाले का सारा पानी इधर वापस रिवर्स होने के कारण यहाँ जल भराव हो गया।
इतनी बार पालिका में शिकायत की गई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया? मैंने आपको बताया उस दिन थोड़ी देर के लिए बुल्डोजर आया था, उसने कोशिश की लेकिन काम नहीं हो सका और वो लोग बीच में छोड़कर चले गए थोड़ी बहुत गंदगी निकाल कर। और यदि ये कार्य पूरा हो जाता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। सफाई कर्मचारियों के द्वारा मात्र खाना पूर्ति की गई, ऐसा कहना चाहते? वो नाला लग रहा है जैसे आगे पूरी तरह जाम हो गया, उसमें लग रहा कई घंटों की मशक्कत करके कूड़े को निकलवाया जाएगा और लगातार बारिश में नॉर्मली तो हर बार ही वहाँ पर जल भरा हो ही जाता था एसडीओ से, लेकिन ये पहली बार है कि इतना जाम नाले के अंदर लग गया है कि वहाँ से पानी आगे ना जा करके यहाँ पर रिवर्स हो गया पूरे बिजली घर में पानी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 जुलाई 2024 को ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी गई कि जहाँ भी नाले नालियों पर अतिक्रमण है पटाव उसका जल्द निस्तारण। क्या नगर गुलावटी में भी नाले नालियों का पटाव या अतिक्रमण देखने को नजर आता है, क्या कहना चाहिए? नगर गुलावटी में नाले नालियों का पटाव देखा जाता है, नाले पर नाला पटावा है और इसी कारण नाले पर आए दिन बारिश होने पर जल भराव हो जाता है और काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है और निकलना बढ़ना बहुत दूर होता है। नगर में पशुपालन डेयरी चलाई जा रही है, उनका जो गोबर है वो नालियों में बहता नज़र आता है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए इसे जो है हम इस तरीके से देखते हैं कि नाले नालियों में गोबर आधा कारण तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज होने का नाले का गोबर ही है, जिसके कारण तमाम दुर्गंध और गंदगी और नालियाँ बिल्कुल भरी हुई चलती हैं गोबर के कारण। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर के सौंदर्यकरण के लिए, जनहित में सुविधाएं देने के लिए 50 करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ, कितना सौंदर्यकरण नगर गुलावटी में देखा जाता है? बात अगर नगर गुलावटी में पुरानी पाइपलाइन को लेकर की जाए, जिससे घर में पानी की निकासी होती है, नई पाइपलाइन भी गुलावटी में बिछाई गई है, किस तरह से देखते हैं? बात करें नई पाइपलाइन की तो अभी नई पाइपलाइन तो चालू ही नहीं है, और पुरानी की बात करें तो पुरानी में बहुत ज़्यादा लीकेज, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं आप देखने को मिल जाएंगे, पानी गंदा आ जाता है, कभी भी उसमें टचिंग होकर गंदा पानी नाली का आ जाता है, लीकेज होती है बहुत जगह और पानी का कोई टाइमिंग नहीं होती है कि ये प्रचुर टाइम है कि आएगा इस टाइम पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, तो इसलिए ये बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनका सामना करना पड़ता है। अब जब सीएम द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है तो उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन इन पर जो है ईओ मैडम को संज्ञान लेना चाहिए और इसका निस्तारण जल्दी होना चाहिए। मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल को धन्यवाद देता हूँ और जनहित में उठाई गई समस्याएँ को कहता हूँ कि वो नगर पालिका परिषद को उन पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द ही उन समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए। और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐसे ही जनहित कार्य आए दिन उठाती रहती है और मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन हम और हमारे सहयोगी ग्राउंड लेवल पर जाकर जो जनहित की समस्या है उन्हें उजागर कर रहे हैं और उनके जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी लगातार ये दिखाने पर मजबूर कर रहे हैं कि आप देखिए आपके शासनकाल में क्या कुछ हो रहा है। जल्द से जल्द समस्या का समाधान होना चाहिए, यही न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की प्रमुखता है।